प्यारे विद्यार्थियों, न्यू राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसनपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कृषि जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 11 है टिड्डा। टिड्डा जिसे अपन इंग्लिश में ग्रास होपर कहते हैं, तो आज हम टिड्डे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि टिड्डे की आकृति कैसी होती है, टिड्डा किस प्रकार फसलों को हानि पहुंचाता है, टिड्डे की बाह्य संरचना में क्या क्या होता है। तो सभी जो भाग हैं अपन टिड्डे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आपको सही रूप से टिड्डे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो ध्यान से देखिए। इधर टिड्डा जो होता है उसका इंग्लिश नाम होता है ग्रास होपर, यानी ये ग्रास होपर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घास को खाता है। देखिए इधर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें अपन, टिड्डे का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है हीरो ग्लाइफस, हीरो ग्लाइफस बेनियान, हीरो ग्लाइफस बेनियान, यानी टिड्डा हीरो होता है तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है हीरो ग्लाइफस बेनियान। इसके अलावा इसका दूसरा नाम और होता है हीरो ग्लाइफस निग्रो री प्लेक्स, निग्रो रीप्लेक्स। तो टिड्डे के दो वैज्ञानिक नाम होते हैं, उसमें जो चर्चित वैज्ञानिक नाम है वो है हीरोग्लाइफस बेनियान, और उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है हीरोग्लाइफस निग्रो रीप्लेक्स। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अब इसके अपन सामान्य लक्षण की बात करें, सामान्य लक्षण, तो जैसे अपन टिड्डे के स्ट्रक्चर की बात करें, ध्यान से देखेंगे इसका डायग्राम, तो देखिए इस प्रकार से ये टिड्डे का डायग्राम होता है। आप ध्यान से देखें, तो पहले अपन टिड्डे के सामान्य लक्षणों की बात करते हैं। तो पहला जो लक्षण है कि जो टिड्डा है, टिड्डा वर्षा ऋतु में, टिड्डा वर्षा ऋतु में खरीफ की फसलों को, कौन सी फसलों को, खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टिड्डा कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो आप बताएंगे टिड्डा खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद में देखिए, ये खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाता है इसलिए इसे अपन
खरीफ का टिड्डा भी कहते हैं। खरीफ का टिड्डा भी कहते हैं। ये खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, खरीफ का टिड्डा भी कहते हैं। ये नुकसान किस प्रकार पहुंचाता है तो आपको याद रखना है कि इसमें काटने व चबाने वाले, काटने व चबाने वाले मुखांग, मुख के अंदर के जो पार्ट होते हैं जैसे दांत है, जीभ है, इनको अपन मुखांग कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं टिड्डे में, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि टिड्डे में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, तो आपको बताना है काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं और इन मुखांगों की सहायता से ही टिड्डा फसलों को हानि पहुंचाता है। तो इसके जो मुखांग है वो कौन से हैं, काटने व चबाने वाले। अब आगे ध्यान दें, जो काटने व चबाने वाले मुखांग होते हैं उनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैंडिबुलेट। कौन से मुखांग पाए जाते हैं इसमें, मैंडिबुलेट, यानी काटने और चबाने वाले मुखांगों को जो नाम दिया गया है वो होता है मैंडिबुलेट। ज़्यादातर कीटों में इसी प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, चाहे अपन कॉकरोच की बात करें, चाहे अपन टिड्डे की बात करें, तो जितने भी कीट है उनमें काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। चौथा सामान्य लक्षण देखें तो टिड्डा जो होता है बहुत भूखा, बहुत भूखा शाकाहारी, यानी केवल फसलों को या हरे पौधों को खाता है, शाकाहारी तथा विश्व व्यापी होता है, यानी संपूर्ण विश्व में टिड्डा पाया जाता है। नेक्स्ट लक्षण इसका देखें अपन, ध्यान दे इधर, नेक्स्ट लक्षण देखें तो इसके शरीर पर, इसके शरीर पर काइटिन का बना, ध्यान देना कीटों में ज़्यादातर जो बाह्य कंकाल बनता है, जो बाह्य स्ट्रक्चर बनता है वो काइटिन का बना होता है। तो आपको याद रखना है कि टिड्डे का जो बाह्य कंकाल जो होता है काइटिन का, काइटिन का बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो टिड्डे के शरीर पर जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का, ठीक है। इसके अलावा टिड्डा जो होता है उसके शरीर पर अलग अलग रंगों की धारियां पाई जाती है, यानी अलग अलग रंग की इसमें क्या पाई जाती है, धारियां पाई जाती है। ये टिड्डे के सामान्य लक्षण होते हैं। अब अपन इसकी बाह्य संरचना देखें, बाह्य संरचना, तो पहले आपको इसका डायग्राम देखना है कि बाह्य संरचना की बात करें अपन टिड्डे में, ये जो रचना आपको दिख रही है इसको अपन बोलते हैं श्रृंगिका, श्रृंगिका, या इसको बोलते हैं एंटीना, एंटीना श्रृंगिका होती है, इसको बोलते हैं अपन संयुक्त नेत्र, संयुक्त नेत्र। ये टांगे होती है, ये टांगे होती है, ये पंख होते हैं, पंख इसमें दो प्रकार के होते हैं, अग्रपंख और पश्चपंख। ये इसका सिर होता है, ये पूरा पोर्शन जो है सिर होता है, यहाँ पे इसका मुख होता है। अब देखिए तो अपन बाह्य संरचना की बात करें टिड्डे की, बाह्य संरचना की बात करें बाह्य संरचना, तो आपको ध्यान देना है टिड्डे के शरीर को
तीन भागों में, कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं कि टिड्डे का शरीर कितने भागों में बटा होता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला जो भाग है वो होता है सिर, दूसरा जो भाग होता है वो होता है वक्ष, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है उदर। यानी जितने भी कीट हैं उनमें मोस्टली जो शरीर होता है तीन भागों में बटा होता है, पहला होता है सिर, दूसरा होता है वक्ष और तीसरा होता है उदर। अब ध्यान दें, अब सिर पर क्या क्या पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिका, एक जोड़ी तो पाई जाती है श्रृंगिका, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, संयुक्त नेत्र, एक जोड़ी उपनेत्र, एक जोड़ी उपनेत्र। तो पहले इसको समझे कि सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिका, जिसको अपन एंटीना भी कहते हैं, आपने देखा होगा कीटों में सिर के ऊपर दो बाल से लगे होते हैं, तो उनको अपन कहते हैं श्रृंगिका। ये श्रृंगिका टिड्डे में या सभी कीटों में बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करती है। क्या काम करती है ये? बाह्य संवेदनाओं को, बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करना। तो आपसे पूछ ले जाए श्रृंगिका का कार्य क्या है, तो आप बताएंगे बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करना। अब बाह्य संवेदना कैसे? जैसे टिड्डे में गंध का पता, स्पर्श का पता, गंध का पता, स्पर्श का, भोजन की तलाश, भोजन की तलाश, ये सारे काम किसके द्वारा होते हैं? श्रृंगिका के द्वारा। ये सभी कार्य जो बाह्य संवेदनाएं ग्रहण करता है टिड्डा, वो अपनी श्रृंगिका के द्वारा करता है। अब देखिए आगे, तो श्रृंगिका का काम आपको पता चल गया, बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करना, जैसे गंध का पता लगाना, स्पर्श का पता लगाना, भोजन की तलाश करना, ये सब कार्य टिड्डा अपनी श्रृंगिका के द्वारा ही करता है। अब देखिए संयुक्त नेत्र, टिड्डे में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त का मतलब ये नहीं कि जुड़े हुए हैं, संयुक्त का मतलब होता है कि कोबरा टिड्डा जो है वो पर्टिकुलर किसी वस्तु को देखता है तो उसको वो अलग अलग खंडों में दिखाई देती है, जैसे 50 खंडों में, 40 खंडों में। तो जैसे भोजन की तलाश करेगा तो भोजन उसको बहुत अधिक मात्रा में यानी अलग अलग संख्या में दिखाई देगा, यानी एक जगह दिखाई नहीं देगा, उसको अलग अलग दिखाई देगा, उसको अपन कहते हैं संयुक्त नेत्र। अब वो सही भोजन की पहचान कैसे करेगा? अपनी श्रृंगिका के द्वारा। तो इसको आप याद रखेंगे कि इसमें संयुक्त नेत्र, जितने भी कीट हैं उनमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, इन संयुक्त नेत्रों के मध्य में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? उपनेत्र। अब संयुक्त नेत्रों की बात करें तो आपको सिंपल सा है कि ये देखने में, नेत्रों का काम क्या है? देखने में सहायता करते हैं, देखने में सहायता करते हैं। तो टिड्डे में एक जोड़ी श्रृंगिका, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र और एक जोड़ी उपनेत्र पाए जाते हैं। इसके आगे देखिए, कॉकरोच का जो मुख होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, कॉकरोच का मुख जो होता है उसे अपन बोलते हैं हाइपोगनेथस, ठीक है। तो अब इसमें टिड्डे का मुख है वो भी क्या कहलाता है? हाइपोगनेथस प्रकार का। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, कॉकरोच, कॉकरोच का तो सिर और टिड्डे का मुख जो होता है वो कहलाता है हाइपोगनेथस। हाइपोगनेथस का मतलब होता है कि समकोण पर उपस्थित होता है, समकोण यानी जिसको अपन 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री एंगल पर ये मूवमेंट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं जो समकोण पे हो या जो 90 डिग्री के कोण पे हो उसको बोलते हैं हाइपोगनेथस।
तो कॉकरोच में तो जो सिर होता है वो होता है हाइपोगनेथस, और इसमें टिड्डियों में मुख क्या कहलाता है, हाइपोगनेथस। ठीक है, मुख के अंदर इसमें पांच प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, जिनके बारे में अपन आगे जानकारी प्राप्त करेंगे मुखांगों के बारे में। अब देखते हैं अपन वक्स के बारे में। वक्स सिर के जस्ट नीचे या सिर से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ भाग वक्स कहलाता है। सिर से जुड़ा हुआ भाग वक्स कहलाता है। आप ध्यान दो, टिड्डे का जो वक्स होता है वो तीन भागों में बटा होता है। टिड्डे का जो वक्स होता है तीन भागों में बटा होता है। ध्यान दें, पहला होता है अग्रवक्स, ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा होता है मध्यवक्स, और तीसरा होता है पश्चवक्स। तो टिड्डे के वक्स को तीन भागों में बांटा गया है, अग्रवक्स, मध्यवक्स और पश्चवक्स। अग्रवक्स पर एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, मध्यवक्स पर भी एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, ध्यान से समझना इसको, पश्चवक्स पर भी एक जोड़ी टांगे पाई जाती है, यानी टोटल एक जोड़ी अग्रवक्स में होती है, एक जोड़ी मध्यवक्स में होती है और एक जोड़ी कौन से वक्स में, पश्चवक्स में होती है। इस प्रकार से टोटल तीन जोड़ी या जिसको अपन छह, तीन जोड़ी टांगे टिड्डे में पाई जाती है। यानी कीटों में, ध्यान दें, कीटों में हमेशा तीन जोड़ी या छह टांगे पाई जाती है। तो आपको पता चल गया, अग्रवक्ष में एक जोड़ी टांगे होती है, मध्यवक्ष में एक जोड़ी टांगे होती हैं और पश्चवक्ष में एक जोड़ी टांगे होती है। अब ध्यान दें, इधर अग्रवक्ष को अपन छोड़ दें तो आपके पास क्या बचा, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। तो अब ध्यान देना, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष पर क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि इसके जो पंख होते हैं कौन कौन से वक्ष में होते हैं, एक तो मध्यवक्ष में और एक पश्चवक्ष में। अग्रवक्ष पर पंख नहीं पाए जाते हैं, पंख आप सब जानते हो टिड्डू को उड़ने में सहायता करते हैं, तो जो पंख पाए जाते हैं वो मध्यवक्ष में और पश्चवक्ष में पाए जाते हैं, इसके अलावा अग्रवक्ष में पंख नहीं पाए जाते हैं। अब आगे ध्यान दें, देखिए इधर, तो वक्स को अपन ने तीन भागों में बांटा था, अग्रवक्स, मध्यवक्स और पक्षवक्स। अग्रवक्स में मैंने आपको बताया एक जोड़ी टांगे, इसमें भी एक जोड़ी टांगे और इसमें भी एक जोड़ी टांगे। अब ध्यान दें, अग्रवक्स की जो टांगे होते हैं इनको कहते हैं अपन चलने वाली टांगे, चलने वाली टांगे। अब क्वेश्चन क्या बनता है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से, कि जो पश्चवक्ष की टांगे होती हैं, कौन से वक्ष की, पश्चवक्ष की जो टांगे होती हैं वो कूदने वाली होती है, कूदने वाली या जंपिंग। आपको ध्यान देना है, ये पूछा जाए आपसे कि टिड्डे में कूदने वाली टांगे कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे पक्षवक्ष में। कितनी होती है, तो आप बताएंगे एक जोड़ी, जिसके द्वारा जो टिड्डा है वो कूदता है। तो कूदने वाली टांगे जो हैं वो हमेशा कौन से वक्ष में पाई जाती है, पक्षवक्ष में ये टांगे पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान दें इधर,
अब अपन उदर की बात करें, जो तीसरा भाग है उदर, जिसको अपन एब्डोमेन बोलते हैं, उदर को, उदर की बात करें तो ध्यान दें, टिड्डे का उदर, टिड्डे का उदर कुल 11 खंडों से मिलकर बनता है। आपसे पूछा जाए टिड्डे के उदर में कितने खंड होते हैं, तो आप बताएंगे कितने खंड होते हैं, 11 खंड होते हैं। अब ध्यान दें, प्रत्येक खंड का जो पृष्ठीय या जिसको अपन पीठ वाला भाग कहते हैं, प्रत्येक खंड का पृष्ठीय या पीठ वाला भाग टर्गम, पेशियां होती है टर्गम, टर्गम क्या होती है, पेशी होती है, तो जो पीठ वाला भाग है वो तो टर्गम, वह जो उदर वाला भाग है, उदर वाला भाग है वो स्टर्नम कहलाता है। ये दोनों आपको ध्यान देना है, टर्गम और दूसरा होता है स्टर्नम, यानी टिड्डी का उदर कुल 11 खंडों का बनता है और प्रत्येक खंड का पृष्ठीय या पीठ वाला भाग तो कहलाता है टर्गम, और इसका उदर वाला भाग क्या कहलाता है, स्टर्नम कहलाता है। अब ध्यान दें, इन दोनों खंडों को या इन दोनों भागों को एक झिल्ली जोड़कर रखती है, एक झिल्ली जोड़कर रखती है, जिसे अपन इस झिल्ली को कहते हैं प्लूरॉन झिल्ली। यह भी आपको ध्यान रखना है, झिल्ली का नाम है प्लूरॉन झिल्ली। कौन सी झिल्ली, प्लूरॉन झिल्ली। इस प्लूरॉन झिल्ली के दोनों तरफ, इस प्लूरॉन झिल्ली के दोनों तरफ एक एक जोड़ी, एक एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, श्वसन छिद्र, क्या पाए जाते हैं, श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये झिल्ली का नाम याद रखना है, प्लूरॉन झिल्ली, और इस प्लूरॉन के दोनों तरफ एक एक क्या पाया जाता है, श्वसन छिद्र पाया जाता है। अब अपन बात करें श्वसन छिद्र, ध्यान दें, टिड्डे में कुल 10 जोड़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिड्डे में कुल 10 जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, तो टिड्डे में कुल कितने जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, तो आपको बताना है 10 जोड़ी। इन 10 जोड़ी में से ध्यान दें, 8 जोड़ी, 10 में से 8 जोड़ी तो होते हैं उदर में, और दो जोड़ी होते हैं वक्ष पर, उदर और वक्ष पर, यानी सिर पे कोई भी श्वसन छिद्र नहीं होता, तो आपको बताना है 8 जोड़ी तो उदर में और 2 जोड़ी वक्ष में। इस प्रकार टिड्डे में कुल कितने जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं, तो आप बताएंगे 10 जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, प्लूरॉन झिल्ली, इसके दोनों ओर एक एक श्वसन छिद्र होता है। ठीक है, इसके 8वें व 9वें खंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है, श्वसन छिद्र किन खंडों में नहीं पाए जाते, तो आप बताएंगे 8वें व 9वें खंड में श्वसन छिद्र नहीं पाए जाते, ये भी आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि टिड्डे का जो उदर है वो 11 खंडों का मिलकर बना होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक 11वें खंड को, कुछ वैज्ञानिक 11वें खंड को 10वें खंड का ही, यानी 10वें खंड का ही उपांग मानते हैं या इसका भाग मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि टिड्डे में 10 ही खंड होते हैं, जो 11वां खंड है वो 10वें खंड का ही भाग या उससे जुड़ा हुआ भाग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो 11वां खंड है वो 10वें खंड का ही क्या होता है, उपांग होता है। अब आगे देखें,
बेटा टिड्डा जो होता है वो एक लिंगी होता है। कैसा होता है? एक लिंगी, यानी नर व मादा अलग अलग होते हैं, नर व मादा अलग अलग होते हैं। यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें से क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। ध्यान दें कि नर की अपेक्षा मादा का उदर वाला भाग नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला होता है। किसका होता है नुकीला? मादा का, नर की अपेक्षा। यानी नर का नुकीला नहीं होता, मादा का जो उदर वाला भाग है वो नर की अपेक्षा क्या होता है? अधिक नुकीला होता है। अब ध्यान दें, मादा में उदर के अंतिम खंड पर एक नुकीली रचना बनती है। क्या बनती है? नुकीली रचना बनती है, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे अंडरोपक, यह आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं उसे? अंडरोपक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरोपक। अब मादा क्या करती है? अंडरोपक का उपयोग किस लिए करती है, यह आपको ध्यान रखना है कि ये अंडरोपक जो अंतिम खंड पे होता है नुकीला होता है, ठीक है। मादा इस अंडरोपक की सहायता से अपनी जो कूदनी वाले टांगे हैं उन पे खड़ी होकर इस अंडरोपक को भूमि में डालकर, भूमि के कोसी होगी नम भूमि। ध्यान दें, मादा अपने अंडरोपक की सहायता से क्या करती है? इस अंडरोपक को भूमि में डालकर गोल गोल घूमती है। कैसे घूमती है? गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, जिससे भूमि में गड्ढा बन जाता है। गड्ढा बन गया। अब अंडरोपक से गड्ढा खोदने के बाद में मादा क्या करती है? अपने अंडकोष्ठ को, अंडकोष्ठ वो होता है जिसमें अंडे होते हैं, लगभग एक अंडकोष में 40 अंडे होते हैं। कितने अंडे होते हैं? 40 अंडे। तो इस अंडकोष्ठ को कहाँ रख देती है? वो गड्ढे में रख देती है। अंडकोष्ठ को गड्ढे में रखने के लिए पहले वो गड्ढा बनाएगी, गड्ढा बनाने के लिए किसका उपयोग करेगी? अंडरोपक को। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछ लिया जाए कि टिड्डे में अंडरोपक का कार्य क्या होता है, तो बताइए। तो आपको बताना है कि टिड्डे में अंडरोपक की सहायता से मादा अपने अंडरोपक को भूमि में गड़ाकर गोल गोल घूमती है, जिससे वहां क्या बन जाएगा? गड्ढा। इस गड्ढे में मादा किसको रखेगी? अपने अंडकोष्ठ को वहां पे रख देगी। रखने के बाद में, अब एक अंडकोष्ठ में कितने अंडे होते हैं? 40। इस अंडकोष्ठ को रखने के बाद मादा क्या करती है? इस पर अपने, ये भी ध्यान रखना, अपने जनन छिद्र से एक झागदार पदार्थ निकालती है। कौन सा पदार्थ निकालती है? झागदार पदार्थ निकालती है जो अंडकोष्ठ पर सीमेंट की तरह, किसकी तरह?
सीमेंट की तरह जम जाता है, सीमेंट की तरह जम जाता है, यानी इस अंडकोष्ठ को वो भूमि में दबा देती है। किसकी सहायता से? अंडरोपक की सहायता से। अब इस गड्ढे में ये अंडकोष्ठ जो है कितने समय तक रहता है, तो आपको याद रखना है 9 महीने तक। कब तक रहता है? 9 महीने तक। तो आपको ये अंडरोपक का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि अंडरोपक जो है वो मादा में पाया जाता है। मादा के उदर वाले भाग पर यानी उसके अंतिम खंड पे एक नुकीली संरचना बनती है जिसे अपन अंडरोपक कहते हैं। इसकी सहायता से मादा इस अंडरोपक को भूमि में डालकर गोल गोल घूमती है, जिससे वहाँ गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में अपने अंडकोष्ठ को रख देती है। रखने के बाद में अपने जनन छिद्र से वो एक झागदार पदार्थ निकालती है जो उस अंडकोष्ठ पर सीमेंट की तरह जम जाता है, और वो अंडकोष्ठ जो है भूमि में कितने समय तक रहता है? 9 महीने तक। तो ये टिड्डे की अपन ने बाह्य संरचना पढ़ी, जिसको आपने टिड्डे को 3 भागों में बांटा, सिर, वक्ष और उदर के मामले में। अब देखिए इधर, टिड्डे में मैंने आपको टांगे बताई कि टिड्डे में, इस पर थोड़ा ध्यान दें, टांगे, टिड्डे में 6 टांगे, कितनी टांगे? 6 टांगे, या अपन इसको 3 जोड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है, 3 जोड़ी टांगे या 6 टांगे पाई जाती है। अब मान लो ये टांग है, ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि टिड्डे की जो टांग होती है, एक टांग ले ले अपन, 6 टांगे हैं, प्रत्येक टांग के 5 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? 5 भाग, यानी एक टांग 5 भागों से मिलकर बनी होती है। अब वो भाग सेम ही होते हैं जितनी भी टांगे होती हैं, तो ये सभी कीटों में टांग के 5 भाग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब वो 5 भाग कौन कौन से होते हैं, ध्यान दें इधर, जो टांग का पहला भाग होता है उसको अपन कहते हैं कोक्सा, टांग का पहला भाग कोक्सा, जो सबसे फूला हुआ, कैसा भाग होता है? सबसे फूला हुआ, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? कोक्सा। इसके जस्ट नीचे वाला भाग, ध्यान दे, प्रोकेंटर, टांग का जो दूसरा भाग होता है उसका नाम होता है ट्रोकेंटर, जो कोक्सा के नीचे पाया जाता है। तीसरा भाग होता है इसमें, ध्यान दें, फीमर, जो अपने अंदर भी होता है, फीमर जो अपनी जांघ की हड्डी होती है उसको फीमर कहते हैं। तो टिड्डे में भी जो का टांग का तीसरा भाग होता है वो कौन सा होता है? फीमर। इसके बाद में चौथा भाग होता है टीबिया, कौन सा भाग? टीबिया। और पांचवा जो भाग होता है टांग का उसको बोलते हैं टोर्सस। तो टिड्डे में टांग के यानी 3 जोड़ी या 6 टांगे होती है, उसमें प्रत्येक टांग में कितने भाग होते हैं? 5 भाग। सबसे ऊपर वाला भाग कोक्सा, उसके नीचे वाला ट्रोकेंटर, उसके नीचे वाला फीमर, उसके नीचे वाला टीबिया और इसके नीचे वाला टॉर्सस। इनमें से फीमर और टीबिया सबसे मजबूत भाग होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 5ों में से सबसे मजबूत भाग कौन कौन से, तो आपको बताना है टीबिया और फीमर, ये इन 5ों में सबसे मजबूत होते हैं। अब आपको लास्ट वाले पे चलना है, टोर्सस। ये जो टोर्सस जो अंतिम खंड होता है टांग का, ये वापस 3 भागों में बढ़ता है। पहला है प्री टोर्सस, ऊपर वाला, दूसरा जो भाग होता है वो होता है मीजो टोर्सस और जो तीसरा भाग होता है उसको बोलते हैं अपन मेटा टोर्सस।
तो इस टॉर्सस के तीन भाग होते हैं, प्री टॉर्सस, मिजो टॉर्सस और मेटा टॉर्सस। ये कॉकरोच की टांगों के भाग हैं। कॉकरोच की टांगों में पांच भाग पाए जाते हैं। सबसे फूला हुआ भाग कौन सा होता है? कॉक्सा। सबसे मजबूत कौन सा होता है? फीमर और टीबिया। इस प्रकार से इसमें पांच भाग होते हैं, पहला कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टॉर्सस। टॉर्सस वापस से तीन भागों में बढ़ता है, प्री टॉर्सस, मिजो टॉर्सस और मेटा टॉर्सस। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में टिड्डे के पार्ट टू में अपन इसके मुखांगों के बारे में और इसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।